नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फोर सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। उसमें हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट वाला टॉपिक पुनरावर्तन टू। पुनरावर्तन दो में हम क्या क्या देखने वाले हैं आपको पता है? पुनरावर्तन किसे कहते हैं? आप गेस्ट करो बेटा, पुनरावर्तन किसे कहते हैं? थोड़े से चैप्टर के बाद आता है और सभी चैप्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन लेकर उसे बताया जाता है, उसे पुनरावर्तन कहते हैं। जैसे कि रिवीजन, इसको कहेंगे रिवीजन टू। सब में रिवीजन करवाते हैं ना, वैसे बुक्स वाला रिवीजन है। ओके, पुनरावर्तन दो। क्वेश्चन वन, हाथी के बारे में चार पांच वाक्य लिखिए। यह क्वेश्चन तो आपकी एक अंक शूटिंग में आ गया है, आपको पता भी होना चाहिए। नहीं पता है, थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। चलो, क्या आपने हाथी कभी देखा है? हाथी एक बहुत बड़ा और कदावर ताकतवर प्राणी है। उसके आगे एक लंबी सूंड होती है, उसके चार बड़े खंभे जैसे पैर होते हैं, उसके आगे दो दांत होते हैं और वो चबाने के लिए नहीं होते हैं, और उसके मुंह में अलग से दांत होते हैं, उसकी एक छोटी पूंछ होती है और ये बड़े बड़े कान होते हैं। हाथी काले रंग का होता है। हाथी की छोटी छोटी दो आंखें होती हैं। हाथी हमें लकड़ी उठाने या और कोई काम करने के लिए उपयोग में आता है। हाथी बहुत ही शांत जानवर है। हाथी के बारे में बस इतना। चलो एक बार और रिपीट करते हैं। हाथी एक बहुत महाकाय कदावर प्राणी है। हाथी काले रंग का होता है। हाथी की तो छोटी छोटी आँख होती है। हाथी की तो बड़े बड़े कान होते हैं। हाथी की एक पूंछ, छोटी सी पूंछ होती है। हाथी के खंभे जैसे चार पैर होते हैं। हाथी के कान सूप जैसे बड़े होते हैं। सूप मीन्स पीने वाला सूप नहीं, सूप मीन्स डे जैसे बड़े होते हैं। हाथी बहुत ही समझदार जानवर है। हाथी हमें सवारी और माल ढोने के काम आते हैं। माल एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के काम आता है। अब हमारा प्रश्न नंबर दो। समानार्थी शब्द की जोड़ बनाइए। इसमें तो आपको बुक निकालनी पड़ेगी। चलो बुक में पेज नंबर आपको बता देती हूँ। ये है हमारी बुक, उसमें से आपको पेज निकालना, नंबर निकालना है लास्ट वाला, यह होगी खत्म, उसके आगे का। यह है पुनरावर्तन दो और पेज नंबर यहाँ पर देखिए कितने हैं। अरे वेरी गुड, पेज नंबर 43 पेज नंबर आपको निकालना है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। पेज नंबर 43 में पहला शब्द है पानी। किसे कहते हैं आपको पता है ना? पानी का समानार्थी क्या होगा? सामने में से ढूंढना है। पहला सैनिक है पानी। मीन्स सैनिक नहीं होता है। पानी मीन्स धरा, धरा नहीं होता है। पानी मीन्स आकाश होता है? नहीं। तो पानी मीन्स जल। पानी के सामने उत्तर में आएगा जल। दूसरा है आसमान। आसमान यानी कि सैनिक नहीं होता है, धरा नहीं होता है। आसमान मीन्स आकाश, तो उसके सामने लिखोगे आकाश। सही जोड़ मिलाना है, यानी कि ऐसे ऐसे जोड़ मत मिलाओ, सामने सही वाला उत्तर लिखो। जैसे कि पानी के सामने डैश करके लिखना है जल, ओ आसमान के डैश करके सामने लिखना है आकाश। धरती, धरती में सैनिक नहीं होगा। धरती मीन्स धरा, धरती मीन्स धरा। किसी का नाम धरा है तो उसका अर्थ होगा धरती। चौथा है सिपाही। सिपाही मीन्स
पहला लेंगे सैनिक, लास्ट वाला तो बचा था सिपाही को डैश करके क्या कहेंगे सैनिक, सिपाही में सैनिक। यहाँ पर ये चार वर्ड दिए लेकिन मैं पुनरावर्तन के रूप में आपको एक से अधिक देने वाली हूँ जो अभी बोल रही हूँ, बाद में मैं वर्कशीट में लिखवाऊंगी भी। ओके डन है ना? तो सुनो, हाथी इसका समानार्थी होता है गज, पानी वो तो आ गया जल, छोटा आप ढूंढो उसका समानार्थी, वेरी गुड नन्हा, जंगल बुढ़िया जंगल में रहती है उसमें से आपको मिलेगा वन अरण्य, सिंह यानी कि शेर, बहुत का समानार्थी होता है अधिक, जानवर मीन्स प्राणी, रास्ता का समानार्थी होता है पंथ। कितने सारे ऐसे समानार्थी वर्ड है, चलो आप भी दो तीन शब्द बताओ। धरती धरा आ गया ना, वेरी गुड। कचहरी मीन्स अदालत, आपको एक और समानार्थी शब्द का कहाँ से ढूंढना है वो बताओ, जो शब्द का अर्थ यानी शब्दार्थ होता है और छोटे रूप में आता है उसे हम समानार्थी के रूप में ले सकते हैं, जैसे कि झोपड़ी यानी कि घर। उसके बाद का है सदा यानी कि हमेशा, उसके बाद का है दिवस, दिवस मीन्स दिस, दिवस दिन मीन्स दिवस। उसके बाद का है स्वच्छता सफाई, खुशबू सुगंध, कई सारे ऐसे होते हैं, बदबू दुर्गंध, हवा वायु पवन। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो, विलोम शब्द ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या करना है, पहले विलोम शब्द ढूंढने हैं उसके बाद वाक्य में परिवर्तित करना है। उसमें ऊपर ब्लू लाइन में लिखा गया है धरती ऊंचा पकड़ना और आना, पहला है नीचा, नीचा का विलोम क्या होता है धरती होता है नहीं, उसके बाद का है ऊंचा नहीं, नीचा यानी ऊंचा नहीं होता है, यस होता है नीचा मीन्स ऊंचा। चलो उसको वाक्य में परिवर्तित करो, आकाश में पतंग ऊंचे उड़ रही है, आकाश में पतंग ऊंचे उड़ रही है, पतंग गिरती है तो नीचे पड़ती है, पतंग गिरती है तब नीचे आकर पड़ती है। दूसरा है छोड़ना, छोड़ना मीन्स धरती तो निकल गया हमारा, छोड़ना मीन्स ऊंचा नहीं, छोड़ना मीन्स पकड़ना। चलो बताओ उसका सेंटेंस क्या होगा छोड़ना और पकड़ना का, आपको पता होना चाहिए, आप जैसे लिखोगे वैसा चलेगा। ओके अब क्या लिखना चाहते हो, आप भी अपने आप से सेंटेंस बनाओ, हमें बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए, हमें अच्छी आदत को पकड़ना चाहिए। एक बार और, हमें बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए और अच्छी आदतों को पकड़ना चाहिए। आप अपने आप से भी सेंटेंस बना सकते हो, मैंने हाथ से किताब छोड़ दी, मेरे हाथ से किताब छूटने ही वाली थी मैंने पकड़ ली, हो गया ना। नंबर दो, तीसरा है आसमान का विलोम, आसमान का समानार्थी तो आकाश होता है, अब विलोम बताओ, आसमान का विलोम होता है वेरी गुड, धरती पहला ही है। पतंग वाला सेंटेंस यहाँ पर यूज कर सकती है, पतंग उड़ती है, पतंग आकाश में उड़ती है, पतंग धरती पर गिरती है, आ गया, पंछी उड़ता है आकाश में, पंछी बैठता है धरती पर,
हमें आकाश में उड़ना चाहिए लेकिन धरती पर हमें रुकना चाहिए। नंबर 4, जाना का विलोम होता है, लास्ट वाला ही बचा है आना। हम स्कूल से घर जाना चाहते हैं, हमें घर से स्कूल टाइम पर आना चाहिए, हो गया ना। सुबह लोग मंदिर जाना चाहते हैं, छोटे बच्चे मंदिर आना चाहते हैं, हमें नाश्ता करने जाना है, हमें नाश्ता कर कर वापस आना है। आप कितने सारे सेंटेंस बना सकती है, आपको मैं एक्स्ट्रा विलोम शब्द थोड़े से बता देती हूँ। आशा का विलोम होता है निराशा, हमें किसी के पास से आशा नहीं रखनी चाहिए। हम किसी के पास से आशा रखते हैं तो हम निराश होते हैं। उसके बाद का है सुख, सुख का विलोम होता है दुख, हमें सुख में सबको साथ रखना चाहिए, हमें दुख में किसी की मदद करनी चाहिए। उसके बाद है अधूरा यानी कि पूरा, हमें हमारा काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हमारा काम पूरा करना चाहिए। उसका बाद का है पसंद, उसका विलोम होता है नापसंद, मुझे मेरा नाश्ता पसंद है, मुझे नाश्ता करना नापसंद है क्योंकि मुझे खाना पसंद है इसलिए। उसके बाद का है सच, सच का विलोम होता है झूठ, उसका सेंटेंस तो कितने सारे बनते हैं। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच बोलने वालों की जीत होती है, झूठ बोलने वालों की हार होती है। उसके बाद का आप ले सकते हैं जागना, मींस उसका विलोम होगा सोना, हमें सुबह समय पर जागना चाहिए, हमें समय पर सोना चाहिए। मैं समय पर जग जाती हूँ, मैं समय पर सो जाती हूँ। उसके बाद का लो गंदगी का विलोम होता है स्वच्छता, हमें गंदगी से दूर रहना चाहिए, हमें हमेशा स्वच्छता रखनी चाहिए। उसके बाद का हमारा सेंटेंस आता है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है जो विलोम शब्द में है, दिन यानी कि रात, दिन यानी कि रात। हमें दिन में जगना चाहिए, हमें रात में सोना चाहिए। राजा उसका विलोम होता है रानी। ऐसे प्यार तो उसका विलोम होता है नफरत। आपको कई सारे वर्ड में वर्कशीट में पेज होंगे, ओके समझ में आ गया ना। प्रश्न 1, प्रश्न 2 अ और प्रश्न 2 ब। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।